डबल हुआ है खूब, उसमें खींचातानी हुई है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस के पास अब कैंडिडेट तक नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया है और जिस भरोसा से मुझे अपना उम्मीदवार बनाया उसी भरोसा से मैं अपना सीट जीत कर अपने महागठबंधन के झोली में डालूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए समस्तीपुर से सन्नी हजारी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारी के बाद सन्नी हजारी मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस को और महागठबंधन को धन्यवाद कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अब लालू प्रसाद यादव का भी आशीर्वाद उनके साथ है। 40 की 40 सीट इस बार महागठबंधन जीतने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिता की राजनीतिक गतिविधि जो है वो अलग है और हमारी अलग है। हम अपने सूझबूझ और सक्षमता के हिसाब से समस्तीपुर की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में डालेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं सन्नी हजारी, पहले इस वीडियो में सुनिए। आप लोग सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद और अपने महागठबंधन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, महागठबंधन तमाम पदाधिकारी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझ पर उन्होंने भरोसा जताया है और जिस भरोसा से मुझे अपना उम्मीदवार बनाया उसी भरोसा से मैं अपना सीट जीत कर अपने महागठबंधन के झोली में डालूंगा। समस्तीपुर में एनडीए की भी कैंडिडेट सरोजिनी चौधरी, कितना चुनौती आपको लग रहा है वहाँ पर? देखिए, मैं लगातार प्रयास में रहा हूँ और मेरा मेहनत शुरू से रहा है। मैं जनता के बीच में प्रचार प्रसार में पहले से रहा, चूंकि हमको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई चुनौती ऐसा हमको नहीं लग रहा है। मैं भारी मतों से वहां से विजय हो रहा हूं। देखिए, पिताजी का अपना अलग राजनीतिक है, मेरा अलग राजनीतिक है। मैं राजनीतिक पहले से सक्रियता रहा हूं वहां पे और लोगों के बीच में मेरा अलग एक सम्मान मान सम्मान बना के रखा हूँ, उसी पे मैं जाऊँगा और लोगों से अपना मत मांगूंगा। मुलाकात हुआ है, क्या कुछ बातचीत हुआ है? लालू जी ने आशीर्वाद दिया है मुझे चुनाव लड़ने के लिए। मैं लालू जी का आशीर्वाद प्राप्त किया हूँ और मैं लालू जी का जैसा आशीर्वाद मिला है तो मैं ये चुनाव जीत के उनके आशीर्वाद से जाऊँगा। देखिए, राजनीतिक सक्रियता मान लीजिए मेरा अपना भी बना हुआ है, पिताजी का मान लीजिए हमको उस काबिल बनाए हुए हैं। हम अकेला ही काफी है कि हम सबको संभाल लेंगे। कांग्रेस पार्टी आप पे भरोसा जताई है लेकिन एनडीए के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे, तो ये कितना बड़ा चुनौती है? देखिए देखिए, जुमलाबाजी में लोग विश्वास करते हैं, हमेशा जुमलाबाजी किए हैं। आज धरातल पे कुछ नहीं है, जमीन पे जाएगा तो पता चलेगा। केवल और केवल जुमलाबाजी से नहीं कुछ होने वाला है, जमीन पे जाने पे पता चल जाएगा आपको कि कोई ऐसा लहर नहीं है, कुछ नहीं है। महागठबंधन यहाँ से 40 सीट जीत रही है भारी मतों से, कोई चुनौती नहीं है, एकदम आराम से हम लोग निकल रहे हैं, जीत रहे हैं भारी मतों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो सन्नी हजारी ने यह बड़ा दावा किया है, उन्होंने कहा है कि इस बार 40 के 40 सीट महागठबंधन जीतने जा रही है, कांग्रेस को सन्नी हजारी मजबूत करेंगे। कुछ दिन पहले ही सन्नी हजारी कांग्रेस की सदस्यता लिए थे और उन्हें उम्मीद थी कि समस्तीपुर से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। इस बार कांग्रेस ने सन्नी हजारी पर अपना भरोसा जताया है और सन्नी हजारी भी यह दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है वो समस्तीपुर की सीट भारी बहुमत से जीत कर वो कांग्रेस की झोली में डालेंगे। इस पर एक प्रतिक्रिया चिराग पासवान की भी आई है। चिराग पासवान ने कांग्रेस पे तंज कसते हुए कहा है कि समस्तीपुर से अगर हमारे परिवार का कोई उम्मीदवार नहीं होता तो कांग्रेस आखिर उम्मीदवार कहां से लाती। बता दें आपको कि कांग्रेस के तरफ से सन्नी हजारी उम्मीदवार हैं तो समस्तीपुर की सीट अगर एनडीए के घटक दलों में देखिए तो चिराग पासवान के खाते में है। वहां से अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी उम्मीदवार हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले इस वीडियो में सुनिए। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, क्या फर्क रहेगी? कर दी भैया, दो दिन के बाद तो नामांकन भी दूसरे चरण का खत्म हो जाता तो ये समस्तीपुर जैसी सीटों पे प्रत्याशी तक नहीं उतार पाते। तो बढ़िया है, सर्फ डबल हुआ है खूब, उसमें खींचातानी हुई है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस के पास अब कैंडिडेट तक नहीं है। उधार पे के कैंडिडेट देख लीजिए भाई, अगर हम लोग के लोग नहीं जाते तो मुजफ्फरपुर से ये किनको चुनाव लड़ाते? इनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं था और हमारे ही परिवार के लोग को ये उतार दिए हैं समस्तीपुर में भी। तो ये दर्शाता है
कि कांग्रेस के पास आज की तारीख में प्रत्याशियों का भी अभाव है। तो चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ने वाली है। चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस को कोई अपना उम्मीदवार नहीं मिला, महागठबंधन को कोई अपना उम्मीदवार नहीं मिला जिसे वो मैदान में उतार पाए, इसलिए उनके परिवार के सदस्यों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। अब समस्तीपुर का जो टक्कर है वो शाम्भवी चौधरी वर्सेस सन्नी हजारी हो गया है। एक तरह से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान की पार्टी से शाम्भवी चौधरी हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से सन्नी हजारी हैं। मामला काफी दिलचस्प है, यहाँ मुकाबला जो है दोनों के बीच, अब देखने वाली बात होगी कि समस्तीपुर की सीट आखिर किसके खाते में जाती है। सन्नी हजारी समस्तीपुर की सीट जीतकर कांग्रेस को मजबूत करते हैं या फिर शाम्भवी चौधरी वहां अपना परचम लहराएंगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।